हेलो गाइस, वेलकम टू दिव्यराज लोहिया व्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 8 और अभी सो के उठे यार। मौसम भी थोड़ा बढ़िया हो रहा क्योंकि रात पड़ गई थी बारिश। ठीक है, बाकी आज हमें एक जगह जाना है, एक बार वहाँ काम ख़त्म करके फिर मैं तुम्हें कहीं और लेके जाऊंगा आज। ठीक है, चलो एक बार मैं नहा धो लेता हूँ, कुछ खा पी के सेट होके फिर निकलते हैं। आज तुम्हें एक चीज़ और बताता रहूँगा मैं, ठीक है, लाइफ के बारे में। ठीक है, बीच बीच में कुछ ना कुछ बातें बताते रहेंगे तुम्हें। अगर तुम्हें अच्छी लगे तो कमेंट करके बता देना कि भाई हाँ भाई बहुत अच्छी लगी बात है। अगर तुम्हें लगे भाई अभिराज भाई तुमने तो बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया है, इतने ज्ञान की ज़्यादा आवश्यकता है नहीं, तो ये भी बता देना भाई। ठीक है, पर तुम्हें एक चीज़ छोटी छोटी मैं चीज़ बताता रहूँगा, ठीक है, और तुम सुन लेना भाई भाई के नाते। ठीक है, चलो। हाँ तो भैया देखो, नहा धो के हो चुके हैं सेट। ठीक है, अब हम जा रहे हैं सेक्टर 62 नोएडा, क्योंकि वहाँ एक छोटा सा काम है। जैसे ही काम ख़त्म होएगा फिर हम कहीं और के लिए निकलेंगे, देखते पहुँचना या फिर वापसी घर आ जाएंगे। ओके, तो जैसे मैंने तुमसे सुबह एक बात कही कि एक छोटी छोटी बातें करेंगे अबाउट लाइफ के बारे में। ठीक है, मैं पहली चीज़ बता देता हूँ, मैं हूँ एक्चुअली मेट्रो स्टेशन पर, तुमने देख लिया होगा मैं मेट्रो स्टेशन पर यहाँ आ रहा हूँ। तो मैं एक एडवाइस देता हूँ, एक छोटी सी एडवाइस भाई की मानना, अगर तुम्हें कभी कभी काम आ गया तो। ठीक है, बहुत काम करेगी तुम। जैसे पहली एडवाइस ये है कि अगर कभी भी तुम कभी किसी प्रेशर में हो या कभी सैड हो या एंजाइटी या डिप्रेशन किसी चीज़ में भी हो, तो भाई मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा तुमसे बस, कि वो चीज़ें करना स्टार्ट करो जो तुम आज से 5-10 साल पहले करते थे, जिसमें तुम्हें खुशी मिलेगी। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मेट्रो स्टेशन जाओ, पर मुझे ऐसा लगा है, मैं शायद गलत भी हो सकूं, कि एक जो मेट्रो है वो एकमात्र एक ऐसी चीज़ है जहां तुम्हें एक डिब्बे के अंदर हर तरह का इंसान मिलेगा और वो सिर्फ बैठा है, वो कुछ काम करने नहीं आया। जैसे तुम अगर थिएटर जाओगे तो मूवी देखने आए हैं, हॉस्पिटल जाओगे तो अपना इलाज कराने आए हैं, ठीक है, पार्क जाओगे तो खेलने कूदने ऐसा करना है। लेकिन मेट्रो सिर्फ एकमात्र एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ बंदे बैठे हैं, तो तुम बहुत कुछ ऑब्जर्व कर सको हो, बहुत कुछ सीख सको हो। तो अनु मत समझ लगे मैं सैड हूँ, ठीक है, मैं बस ऐसे ही आया हूँ क्योंकि वो बहुत मेट्रो में घूमने का शौक रहेगा पहले। ठीक है, मैंने सोची चलो आज एक बार मेट्रो में चल लेते। ठीक है, बाकी करया करो यार, बाकी सैड वूड रहना, एंजाइटी डिप्रेशन ये सब बैंक इनके बीच मत पड़े करो, दूर रह करो। ठीक है तो भाई, बहुत टाइम बाद आए हुए हो, बड़ा बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी। देखो भाई, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, अच्छा लगा है, अगर इतनी डेवलपमेंट हो रही है अगर तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो अभी जैसे हम मेट्रो का वेट करना पड़ेगा, यहाँ मेट्रो जैसे आएगी फिर हम बैठेंगे फिर हम जाएंगे। ठीक है, तो जो मैंने अभी बात बताई था मैं, तो बहुत सही बात थी। ठीक है, अब देखो भाई, मेट्रो हमारी आ चुकी है, तुमने वैसे मेट्रो देख रखी होगी पर फिर भी मैं तुम्हें सिखा दूँगा दोबारा। ये देखो, दोबारा मेट्रो का टिकट ले लिया है क्योंकि मज़ा आ रहा है मेट्रो में घूम के, थक भी जाए पर मैंने मूवी देखी है। और कोई बात नहीं, अब जा रहे हैं हम घर, घर जाके फिर रोटी पानी देख लेंगे, पर भूख भी लगी बहुत ज़्यादा। मेट्रो का सफ़र इतना अच्छा आया काफ़ी, मतलब मैंने तो बहुत टाइम बाद करा है अभी, तो मज़ा आया मुझे करके, तो मैं भी करना। तो अब कर लेते थोड़ी सी जिंदगी वाली बात। अब तुम्हें एक बात बता देता हूँ, ये बात सिर्फ उन लंदन के लिए जिनकी उम्र 20 से लेकर 30 के बीच में है। तो भाई तुमसे एक गुजारिश है कि कभी ना लड़की के चक्कर में मत पड़ी इस एज के अंदर। अगर तुम इस एज में थोड़ा पैसा पे ध्यान दे लोगे ना थोड़ा ज़्यादा, तो तुम्हारे ज़्यादा बेहतर रहेगा भाई, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा होएगा तो तुम काफ़ी चीज़ें कर लोगे भाई। लेकिन ये जो एज है ना 20 से 30 वाली, ये बहुत ज़रूरी है भाई। या मैं अगर तुम थोड़ा अपने पैसा पे थोड़े करियर पे ध्यान दे लोगे तो बहुत ही बेहतर है। ठीक है, है ना, तो बेहतर है कि भाई तुम अपनी जो है ना ग्रोथ देखो पहले, ग्रोथ बहुत ज़रूरी है।
स्पेशली मैं सिर्फ लड़कों के लिए बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है, तो ये जो एज है भाई बहुत, इस एज में कुछ कर लो, ठीक है, वरना भाई एक एज आ जाएगी फिर शादी के बाद तुम कर भी नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास जिम्मेदारी आ जाएगी बहुत सारी, तो बेहतर है तुम उस एज से पहले कुछ ऐसा कर लो, ठीक है, कॉलेज करो कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज लाइफ भी सब देख ले रहे, पर भाई फिर वेस्ट मत करो, ठीक है, बाकी तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि जैसे तुम देख रहे हो आजकल कि रिलेशनशिप भी रिलेशनशिप ना रहा, ठीक है, वहाँ में भी बहुत सारी कंडीशन आ रखी है, जैसे मान लो कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट होगा, सिचुएशनशिप होगा, सब तरह की चीज़ होगी, और ये सब चीज़ें वेस्टर्न कल्चर की है, या हमारा वो वेस्टर्न कल्चर कभी बात ही ना, ठीक है, तो बेहतर कोशिश कर लो तुम कि निकल पहले निकल दो चीज़ से बाहर, पैसे वैसे पे जाते, ठीक है, तो हमारी मेट्रो आ चुकी है, मेट्रो स्टेशन पे आ चुके हैं, चढ़े हैं सुबह NSE चाइल्ड, ठीक है भाई, तो आप जल्दी से एक बार निकल लेते हैं क्योंकि अब जो है दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, जब भूख लगा तो मैं बताइए यार कैसे मन करें, क्योंकि भूख में तो मैं घर जाना बहुत ज़रूरी है, आज सुबह सुबह ऐसे कुछ ना खा कर सिर्फ पराठे खा के निकल रहे, और कोई बात नहीं, अब घर चलते हैं बस, या लगा देते हैं, ठीक है, सही बात, या करके फिर निकलते हैं, चल डन, हाँ मज़ा आया भाई, देखो आज बहुत, एक तो बहुत दिन बाद गया, अब तुम ये मत समझना भाई कि मैं सैड हूँ या फिर जो भी कह लो तुम, या बात है वो बात अलग हो सके कि भाई तुम्हें लगा कि मैं सैड वैड नहीं, ठीक है, सीन भी तो आ रहा है, मीटिंग में क्या मेरा चले गए, कोई इशू आ जाएगा, अब यहाँ देख लो भाई हमारे यहाँ कितना बड़ा नाला बह रहा है, पर सही है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम कैसे करना चाह रहे हो, ठीक है, कि जैसे भी मर्जी रह लो, पर तुम्हें दिख रही होंगे पीछे कपल भी दिख रही होंगे तुम्हें, है ना, ये मैं ये कहीं ही स्टार्ट हो जाना भाई, ऊपर बैठे होंगे दिख गए होंगे तुम्हें, है ना, इन्हें पास जगह चाहिए, जगह दे दो इन्हें, ये कहीं भी स्टार्ट हो जाएंगे, पहुंच चुके घर अपने, ठीक है, तो रोटी खा लेते हैं, खा पी के अपने सोएंगे फिर, बाकी अब व्लॉग हम ख़त्म करते हैं, तब आवाज़ आ रही होगी पीछे टूट गया पत्थर कट रहा है, देखो लड़ाई चल रही है, चलो अब व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है, बाकी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई, आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा तो जरूर, लव यू।